ये महाप्रज्ञा है और दूसरा है महाप्राण जो उनका पुत्र है हनुमान जी, वो भी सर्वमंगल हैं क्योंकि उनका नाम ही हनुमंत है, यानी हंकार है, यानी हंकार में अहम में जो अ है उसे निकाल दो तो हंकार हो गया। मैं बार बार कहता हूं अहंकार है यानी हनुमान जी नहीं है, हंकार नहीं है। हम इति हनुमंत बीजम, हनुमान जी के मंत्र का बीज ही हम है। अब बात ये जान लो भाई, इस विश्व में सबसे अमंगल बात क्या है तो अहंकार। तो संस्कृत में कहा गया है स्वाभिमान का होना कोई बुरी बात नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व अभिमान यानी ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो इज बैड, सेल्फ रिस्पेक्ट इज गुड। लेकिन हमारे पास ईगो ही रहता है, अहंकार ही रहता है। अहंकार जब तक व्यवहार में है तब तक तो काम थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन भगवान के पास अगर मैं अहंकार लेकर बैठूं तो अमंगल ही अमंगल है, और यही बात जो है मेरी जिंदगी को अमंगल बना देती है, अहंकार होता है। भगवान भगवती के लिए साड़ी लाते हैं, दुकान में जाकर कहते हैं भारी साड़ी दे रहा भाई, भारी 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 में साड़ी, साड़ी देवी को चढ़ाना है। बाद में घर में आकर दो चार लोगों को दिखाई जाए, देख मैंने 2500 रुपए की साड़ी ली है भगवान भगवती के लिए, वो मेरी जेठानी है ना, उसने 200 रुपए की ली। नेवर कंपेयर, तुलना नहीं करना। साईं बाबा के पास जाता हूं चांदी का मुंह चढ़ा तो हर बार 200 रुपए की चादर चढ़ाता हूं भाई, अहंकार नहीं चाहिए। भगवान की मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, घर में कितना अच्छा मंदिर बनाया हुआ है भगवान का, ना सोचो। भगवान के सामने कभी भी जाकर मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं ये बात कभी भी ना कहो। भगवान के सामने जाकर कहना तूने मेरे लिए क्या किया है अब तक, जो भी मेरी जिंदगी में मंगल घटनाएं हुई है ये सभी उसी के कारण हुई है, ये उसे ही जाकर बतलाना। तब अहंकार न रहने के कारण अपने आप आगे का जीवन भी मंगलमय होने लगे। ये जो अहंकार है यही इस विश्व की सबसे अमंगल चीज है। हम इस अहंकार को ही छोड़ते नहीं, उसे ही पकड़ के बैठ जाते हैं, और ये अहंकार जो है यही हमारी जिंदगी को बार बार भ्रष्ट करता रहता है, हमारे यश का रूपांतर अपयश में करता रहता है, विजय का रूपांतर पराजितता में पराभवता में करता रहता है, क्योंकि यही अमंगल है, यह अहंकार ही अमंगल है।